चलें जी, क्यों है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हम न्यूज़ की 16th एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए। डॉक्टर फौजिया हमारे साथ हैं, उनके रिव्यूज लेंगे। जी डॉक्टर फौजिया, क्या कहेंगी? मैं समझती हूँ इतना ब्रेक थ्रू रहा ये सारा प्रोसेस ही, और हर साल हम देखते हैं इतनी प्रोग्रेस होती है, क्वालिटी क्वालिटी एंड क्वालिटी, सो आई रियली फील वेरी प्राउड ऑफ इट। अच्छा, 16 ईयर्स हो गए हमको और तमाम लोगों के साथ चलते हुए, उनको एंटरटेन करते हुए, उनको इन्फॉर्म्ड रखते हुए, मुख्तलिफ मीडियम्स हमने ट्राई किए जिसमें वो लोगों के साथ कनेक्टेड रहे। तो क्या लगता है कि लोगों के लिए क्या वैल्यू है हम की, और हम का अगर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर सोसाइटी अगर इसकी बात करें तो क्या लगता है, किस तरह का है? मेरे लिए तो म्यूजिक अगर किया है तो हमने किया है। एक जमाने में PTV करता था और उसके बाद हमने किया, बाकी चैनल्स ने म्यूजिक को इतना नहीं उठाया जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, तो एक वो है। फिर उसके बाद जाहिर है प्लेज हैं, पूरे अब तो पूरा रेंज आ गया ना न्यूज़ के साथ, यहाँ जो इस्लामाबाद में शुरू हुआ तो फिर पूरा रेंज आ गया है। आई थिंक दैट इज़ एन एब्सोल्युटली क्वालिटी वर्क दैट इज़ सोशली जो कंट्रीब्यूट किया हमने, और जो सोशल इश्यूज की हमेशा बात की अपने प्लेज के थ्रू, अपने ड्रामों के थ्रू, म्यूजिक आपने जिक्र कर दिया, एंड देन न्यूज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो किस तरह से देख रही हैं सारे सफर को? मैं थोड़ा सा ये कहूँगी कि खातून जहाँ आती है ना वहाँ पर इस किस्म के मिरेकल्स होते हैं। सो मेरे ख्याल है सुल्ताना आपा का बहुत उसमें हाथ है, जाहिर है बाकी सारी टीम भी बहुत काम करती है, लेकिन जैसे मैं कहूँ जो मॉर्निंग शोज भी थे ना, जहाँ पर मॉर्निंग शोज में बाकी जगह पर को मंडेन चीज़ें भी आ जाती थी, तो यहाँ पर सोशल इश्यूज को उठाया गया है, और मेरे तो बहुत फेवरेट रहे हैं यहाँ के मॉर्निंग शोज। सो उस लिहाज से आई थिंक कि इट हैज़ फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, इट हैज़ प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड रिफ्लेक्शन एंड इनसाइट, और अब न्यूज़ भी। जी बिल्कुल, हमने बहुत कुछ दिया है और ये सफर अभी जारी है। डॉक्टर फौजिया हमारे साथ मौजूद थी, थैंक यू वेरी मच एंड वी वेलकम यू। प्लीज कम इनसाइड।